हेलो फ्रेंड्स, यदि आप एक यूट्यूबर है और आप यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं तो फ्रेंड्स सभी यूट्यूबर्स का एक एम होता है कि कब उनके चैनल पर 4000 घंटा और कब उनके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाए। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी अपने चैनल पर जल्दी से जल्दी 4000 घंटा पूरा करना चाहते हैं और 1000 सब्सक्राइबर गेन करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको कुछ ऐसे बेस्ट 5 पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिसे फॉलो करके आप बहुत ही जल्दी अपने चैनल पर 4000 घंटे को पूरा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने 4000 घंटा पूरा करने के लिए यूट्यूब पर ऐसे कई सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन आज जो इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताने वाला हूँ ये बिल्कुल अलग मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता ही होगा कि यूट्यूब भी समय समय पर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होते जा रहा है और इसमें वीडियो को रैंक कराने के लिए तरह तरह के स्ट्रेटेजी भी आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर भी नए हैं तो चैनल पर फटाफट सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आपको कॉन्टिन्यूस चैनल के जरिए ऐसे वीडियो मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, यदि आप अपने यूट्यूब चैनल पर 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना चाहते हैं तो आप ये तो डायरेक्टली यूट्यूब पर 4000 घंटा पूरा नहीं कर सकते। 4000 घंटे वॉच टाइम पूरा करने के लिए आपके यूट्यूब चैनल पर या आपके यूट्यूब वीडियो पर व्यू का आना बहुत ही जरूरी है। मतलब कि यदि आपके यूट्यूब चैनल पर व्यू आएंगे तभी आपका 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा होगा। तो यहाँ पर जो हमारा मेन फोकस है कि हम YouTube वीडियो पर व्यू कैसे बढ़ाएं और YouTube वीडियो पर व्यू बढ़ाकर हम कैसे जल्द से जल्द अपने चैनल पर 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा कर लें। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको उन सभी बेस्ट तरीकों के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आप फॉलो करके अपने चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यू प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि आपके चैनल पर जल्द ही 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो जाएगा। तो फ्रेंड, जो पहला तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें अब YouTube भी बदल गया है 2022 में और YouTube अब अपने क्रिएटर्स को बोल रहा है कि अब क्वालिटी कंटेंट देना होगा तभी आपके YouTube वीडियो पर व्यू आएंगे। यहाँ पर क्वालिटी कंटेंट बोलने का मतलब ये नहीं कि आपकी वीडियो बैकग्राउंड अच्छी होनी चाहिए, आपकी वीडियो क्वालिटी HD होनी चाहिए, आपकी वीडियो की वॉइस क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर मैं इस क्वालिटी की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर मैं जो आपको क्वालिटी बता रहा हूँ इसमें आपको अपने वीडियो की नॉलेज को ज़्यादा फोकस रखना होगा, क्योंकि आप जो YouTube पर वीडियो बना रहे हैं वे थोड़ा क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए जिससे कि आपके जो व्यूअर है उनको आपकी वीडियो से कुछ सीखने को मिल सके और उस वीडियो से उनकी मदद हो सके। तो फ्रेंड्स, यदि आप YouTube पर एक क्रिएटर है तो अब वीडियो पर व्यू लेने के लिए अब आपको अपने चैनल पर यूनिक कॉन्टेंट देना होगा। जैसा कि पहले क्या होता था कि YouTube पर यदि मान लीजिए कोई वीडियो है कि YouTube पर व्यू कैसे बढ़ाए, तो ये वीडियो यदि एक जने कोई क्रिएटर बना देता था तो उसकी ही पॉइंट को कवर करके बहुत सारे क्रिएटर उसकी वीडियो को छाप देते थे और उसमें से किसी का वीडियो वायरल भी हो जाता था और उस पर मिलियंस ऑफ व्यू भी मिल जाते थे। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि यदि अब 2022 में अपने यूट्यूब चैनल पर 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना चाहते हैं तो आपको अपने YouTube चैनल पर क्वालिटी कंटेंट देना होगा। मतलब कि आपको अपने वीडियो में यूनिक कुछ बताना होगा तभी जाकर आपके YouTube वीडियो पर व्यू आएंगे और YouTube आपकी वीडियो को प्रमोट करेगा। फ्रेंड्स, अभी YouTube बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है और तरह तरह के नए नए नियम लेकर आ रहा है, क्योंकि आपको जैसे कि पता ही होगा कि YouTube पर अभी बहुत सारे क्रिएटर्स आ चुके हैं और ऐसे में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ऐसे में यदि आप क्वालिटी और यूनिक कंटेंट क्रिएट नहीं करेंगे तो आप YouTube पर ग्रो नहीं कर सकेंगे और YouTube पर ग्रो नहीं होंगे तो आपके वीडियो पर व्यू नहीं आएंगे और यदि आपके YouTube वीडियो पर व्यू नहीं आएंगे तो वॉच टाइम भी आपका पूरा कंप्लीट नहीं हो सकेगा। तो ऐसे में आपको अब ख्याल रखना होगा कि आप जो भी YouTube पर वीडियो बनाए वे क्वालिटी कंटेंट, यूनिक कंटेंट होनी चाहिए जिससे कि व्यूअर आपकी वीडियो देखकर कुछ सीख सके और कुछ नया जान सके। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको सेकंड पॉइंट के बारे में बताता हूँ। फ्रेंड्स, यदि आप अपने YouTube चैनल पर जल्द से जल्द 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना चाहते हैं तो आपको अब अपने वीडियो क्वांटिटी पर भी ध्यान रखना होगा। फ्रेंड्स, यदि आप YouTube पर अभी नए हैं और आपका भी YouTube पर आए 2 महीने 3 महीने 4 महीने हुए हैं और आप जल्द से जल्द अपने YouTube चैनल पर 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना चाहते हैं तो अब आपको अपने YouTube चैनल पर डेली एक यूनिक कंटेंट पब्लिश करना होगा, क्योंकि यदि आप डेली वीडियो अपलोड करते हैं तो रोज आपके वीडियो पर कुछ ना कुछ वॉच टाइम जरूर मिलेंगे और थोड़े थोड़े वॉच टाइम मिलकर आपके चैनल पर जल्दी 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट कर लेंगे। मान लीजिए यदि आप डेली अपने YouTube चैनल पर एक एवरेज 5 मिनट की वीडियो अपलोड करते हैं और आपके व्यूअर उसे 3 मिनट या 4 मिनट भी देखते हैं, तो ऐसे ही अगर आपके यूट्यूब चैनल पर 100 जने भी आपकी वीडियो 3 मिनट या 4 मिनट तक देख लेते हैं आपको 300 मिनट का वॉच टाइम मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यदि ऐसे ही आपको डेली आपके चैनल पर 300 मिनट का वॉच टाइम मिलने लगे तो आप जल्द से जल्द अपने यूट्यूब चैनल पर 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप अपने चैनल पर जल्द से जल्द 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना चाहते हैं तो आप ट्राई करें डेली अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करने।
की। फ्रेंड चलिए मैं आपको तीसरे पॉइंट के बारे में बताता हूँ जिससे कि आप जल्द से जल्द अपने YouTube चैनल पर 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यदि आप अपने YouTube चैनल पर जल्द से जल्द 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना चाहते हैं तो आप अपने YouTube वीडियो को प्रोमोट करके अपने YouTube वीडियो पर वॉच टाइम प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपने देखा ही होगा कि YouTube अब खुद अपनी तरफ से वीडियो प्रमोट करने का ऑप्शन देता है। यदि आपको पता नहीं है तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप कुछ इस तरह से यहां जाकर अपने YouTube वीडियो को प्रमोट कर सकते हैं। फ्रेंड्स YouTube वीडियो प्रमोट करने के लिए आप गूगल एडवर्ड का यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स गूगल एडवर्ड YouTube की अपनी एक ऑफिशियल सर्विस है जिसके जरिए आप अपने YouTube वीडियो को प्रमोट कर सकते हैं। फ्रेंड्स यदि आप गूगल एडवर्ड के जरिए अपने वीडियो को प्रमोट करते हैं तो इस पर आपको पूरे जेन्युइन व्यू मिलते हैं, पूरे जेन्युइन आपको व्यूअर्स मिलते हैं। फ्रेंड्स आपने यूट्यूब पर देखा होगा यदि आप यूट्यूब पर कोई टॉपिक सर्च करते हैं तो ऊपर में कुछ इस तरह की एड बोल के वीडियो दिखाई देती है। तो यहाँ पर ये जितने भी यहाँ पर वीडियो शो होते हैं ये सभी गूगल एडवर्ड द्वारा प्रोमोट किए जाते हैं। तो आप भी गूगल एडवर्ड के जरिए अपने वीडियो को प्रोमोट करके यूट्यूब सर्च में टॉप रैंक दे सकते हैं। तो यदि आपकी वीडियो टॉप पोजीशन पर चली जाती है तो मैक्सिमम 90% जो व्यूअर्स होते हैं आपके वीडियो पर क्लिक करते हैं और आपके वीडियो पर व्यू मिलेंगे, और यदि आपके वीडियो पर व्यू मिलेंगे तो डेफिनेटली आपके वीडियो पर वॉच टाइम भी मिलेंगे। फ्रेंड चलिए मैं आपको चौथे पॉइंट के बारे में बताता हूँ कि यदि आप अपने यूट्यूब चैनल पर वॉच टाइम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना चाहते हैं तो अब आपको क्या करना होगा। फ्रेंड जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यदि आप अपने चैनल पर 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना चाहते हैं तो आपके यूट्यूब वीडियो पर व्यू आना बहुत ही जरूरी है। तो फ्रेंड्स YouTube वीडियो पर व्यू बढ़ाने का सबसे जेन्युइन तरीका है आपका थंबनेल बहुत ही बेस्ट एंड बेहतर होना चाहिए। फ्रेंड्स यदि आपकी YouTube वीडियो की थंबनेल अच्छी रहेगी तो डेफिनेटली आपके वीडियो पर लोग क्लिक करते हैं, और लोग आपके वीडियो पर क्लिक करेंगे तो आपके वीडियो को भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स यदि आप YouTube के लिए एक बेहतर थंबनेल बनाना चाहते हैं तो अभी आपको मार्केट में बहुत सारे ऐसे टूल्स और ऐसे फोटो एडिटिंग ऐप्स मिल जाएंगे जिसके जरिए आप YouTube के लिए एक बेस्ट थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेंड्स यदि आपको पता नहीं है कि YouTube के लिए थंबनेल कैसे बनाते हैं तो आप स्नैपसीड या कैनवा का यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये एक बहुत ही मोस्ट एंड पॉपुलर टूल्स है जिसके जरिए आप YouTube के लिए एक बेस्ट थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेंड्स चलिए मैं आपको सबसे लास्ट पॉइंट के बारे में बताता हूँ कि यदि आप एक नए क्रिएटर है और अपने चैनल पर जल्द से जल्द 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना चाहते हैं तो अब आपको क्या करना होगा। फ्रेंड्स यदि आपके चैनल पर अभी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुए और ना ही आपके चैनल पर 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हुआ है तो आपके वीडियो पर SEO करना होगा। आपको अपने YouTube वीडियो पर SEO करके अपने वीडियो को रैंक कराना होगा, और यदि आपकी वीडियो YouTube सर्च में रैंक कर जाती है तो डेफिनेटली आपके वीडियो पर व्यू मिलेंगे, और व्यू मिलेंगे तो आपके वीडियो पर वॉच टाइम भी मिलेंगे। फ्रेंड्स YouTube पर वीडियो रैंक कराने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने YouTube के लिए परफेक्ट SEO करें, अपने YouTube वीडियो के लिए परफेक्ट कीवर्ड खोजे, परफेक्ट टाइटल खोजे। फ्रेंड्स यदि आपको पता नहीं है कि YouTube के लिए परफेक्ट टाइटल एंड टैग कैसे खोजते हैं तो मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में आपको बताया था कि YouTube ने हाल ही में एक रिसर्च का ऑप्शन अपडेट किया है। आप इस रिसर्च टूल के जरिए अपने YouTube वीडियो के लिए टैग एंड टाइटल खोज सकते हैं। तो फ्रेंड्स यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है कि YouTube पर टैग एंड कीवर्ड फाइंड करने के लिए रिसर्च टूल को कैसे इस्तेमाल करना है तो उस वीडियो के लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस वीडियो पर क्लिक करके सीख सकते हैं और जान सकते हैं कि YouTube के लिए बेस्ट एंड परफेक्ट टैग एंड टाइटल कैसे खोजते हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट है जिसे यदि आप 2022 में फॉलो कर लेते हैं तो आपके यूट्यूब चैनल पर जल्द से जल्द 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो जाएगा और आपकी यूट्यूब चैनल भी ग्रो कर जाएगी। तो फ्रेंड्स आप कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर रखें और मुझे बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी है। फ्रेंड्स यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं पर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सबसे मिलते हैं। थैंक यू।